अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? कैसे हो? सारे ठीक हो? अच्छा बच्चों, जनरल पैथोलॉजी का लेक्चर है हम लोगों का, 1 से 2, ठीक है? लेकिन टाइम था हमारे पास, तो पहले साइन इन मैंने कर दी है। जिंदा है? क्यों बेटा इतने डिप्रेस क्यों हो गए? अभी आप लोगों की क्या एज है डिप्रेशन में जाने की? जैनब, फातिमा, क्या हुआ बच्चे? बस मैम, उमैद बेटा क्या हो गया? जैनब, उमैद बहुत टेंशन में लग रहे हो। क्वारंटीन, कोरोना, दुनिया है सब डेड। नहीं बेटा, अभी आप लोगों की बहुत अच्छी एज है, बहुत प्यारी एज है, इसको एंजॉय करो, ठीक है? कोई बात नहीं, कोरोना है तो कोरोना चला भी जाएगा, कोई मसला नहीं है। और फिर आप लोग बैठोगे अपनी सीट्स पे, अपने लेक्चर हॉल्स में। अच्छा छोड़ रहे हैं, आप पढ़ाएं। अच्छा टेंशन, चलो मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। टेंशन नहीं लेनी है तुम लोगों ने, बहुत अच्छी क्लास हो तुम लोग, एंड घबराना नहीं है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने छोड़ा था नियोप्लेजिया पे, हम लोग ट्यूमर सप्रेसर जीन स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है? अच्छा, नियोप्लेजिया का यूनिट जरा मुश्किल है बच्चों, ठीक है? इसमें समझने वाली ज्यादा चीजें हैं, रट्टा जरा कम होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझ के करो, ठीक है? अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये हॉल मार्क्स वगैरह कर लिए थे, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स कर लिए थे हम लोगों ने, म्यूटेशंस पढ़ ली थी, बीएफ वाली और ये सारी। अच्छा, अब हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़ने थे, ठीक है? कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये भी सारे प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है? कैसे ये कैंसर में रोल प्ले करते हैं। अब आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि ऑल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कन्वर्ज ऑन द न्यूक्लियस वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट जीन्स दैट ऑर्केस्ट्रेट द सेल्स ऑर्डरली एडवांस थ्रू द माइटोटिक साइकिल इज एक्टिवेटेड, ठीक है? आप तो ये तो पता है ना कि सारे जितने भी पाथवेज होते हैं ये सारे न्यूक्लियस पे जाके अपने जहाँ पे टारगेट जीन्स होते हैं वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है? अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है ऑफ द डीरेगुलेटेड माइटोजन सिग्नलिंग पाथवे इज इनअप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट ड्राइव द ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स, ठीक है? इवेंचुअल रिजल्ट क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, वो ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स को ड्राइव करते हैं, मतलब उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कुछ बताए हुए आप लोगों की बुक में, जिनके प्रोडक्ट्स हैं MYC, MYB, JUN, FOS एंड REL प्रोटो ऑनको जीन्स, ठीक है? ये सब जाके न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है? और वहाँ पे जाके इन्होंने स्पेसिफिक जो ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है? अब वो कह रहे हैं MYC इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ह्यूमन ट्यूमर, और इसी का ब्रीफ रिव्यू हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो तुम लोगों ने भी याद रखने, अगर MCQ में आए ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लिखे और उनमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन ट्यूमर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि MYC सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे बच्चों देखते हैं, अच्छा अब MYC को थोड़ा देख लेते हैं कि MYC प्रोटो ऑन्कोजीन इज एक्सप्रेस्ड इन वर्चुअली ऑल यूकेरियोटिक सेल्स एंड बिलोंग्स टू द इमीडिएट अर्ली रिस्पांस जीन्स व्हिच आर रैपिडली एंड ट्रांजिटली इंड्यूस्ड बाय द RAS मैप काइनेज सिग्नलिंग फॉलोइंग ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन ऑफ क्विसेंट सेल्स, ठीक है? सेल्स पे जिस तरह हमने पीछे डायग्राम पढ़ी थी किस तरह से ग्रोथ फैक्टर की स्टिमुलेशन होती है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पे जाके प्रोटो ऑन्कोजीन्स अटैच होते हैं, वो सारा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे तुम लोगों ने ये याद रखना है कि MYC जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो ज्यादातर ट्यूमर सेल्स में एक्सप्रेस होता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटो ऑन्कोजीन है, ठीक है? और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में MYC प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन एक टाइटली कंट्रोल्ड होती है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन स्टेबिलिटी, ठीक है? यही तीनों प्रोसेस होते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनके जरिए ये सारा जीनोमिक, ये पाथवे सारा चलता है। एंड वर्चुअली ऑल द पाथवेज दैट रेगुलेट ग्रोथ इम्पिंज ऑन द MYC थ्रू वन और मोर ऑफ दीज मैकेनिज्म, ठीक है? अल्टीमेटली ये सारे पाथवेज कहाँ पे जाके एक्ट करेंगे, MYC पे। सेवरल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दैट आर स्ट्रॉन्गली लिंक टू एट एलिवेटेड रिस्क ऑफ द कैंसर सच एज प्रोस्टेट एंड ओवेरियन कार्सिनोमास फॉल विद इन अ लार्ज रीजन डिवॉइड ऑफ रिकॉग्नाइजेबल जीन दैट लाई नेक्स्ट टू MYC ऑन क्रोमोसोम 8। अब वो कर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP का मतलब ये होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड पे काफी सारी चेंजेस आई हुई हैं, ठीक है? एक न्यूक्लियोटाइड की चेंजेस हुई है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमने पीछे टर्म पढ़ी थी ना, इसका मतलब होता है डिफरेंट शेप, ठीक है?
और ये वो बता रहे हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हम लिंक कर सकते हैं प्रोस्टेट एंड ओवेरियन कार्सिनोमा से, जहाँ पे एक जीन की गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो समझो कि वहाँ से मसला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी पता चला है कि MYC की एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्गली कैंसर से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। हाउ MYC प्रोमोट्स द नॉर्मल एंड न्योप्लास्टिक सेल ग्रोथ इज इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड। आखिर में उसने सारा बात वो ही कर दी है कि अभी तक हमें नहीं पता कि ये किस तरह से नॉर्मल और न्योप्लास्टिक सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये तो नॉर्मली भी प्रेजेंट है ना, ठीक है, और किस तरह से ये एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट करता है ये अभी किसी को नहीं पता। और काफ़ी सारी स्टडीज के बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले हैं इसके, जो हम आगे देखते हैं, ठीक है। MYC एक्टिवेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ, ये तो हमें पता लग गई है। अभी ये बोल्ड में लिखी हुई है तो ये MCQ भी तुम लोगों को आ सकता है कि MYC का क्या काम होता है, ठीक है। इट एक्टिवेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि सेल ग्रो करेगा आगे, उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तभी कैंसर बनेगा ना। एंड सम MYC टारगेट जीन्स लाइक डी साइक्लिन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेल साइकिल प्रोग्रेशन। अब कुछ MYC टारगेट जीन्स हैं जैसे कि डी साइक्लिन, उनका नाम है, ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेल साइकिल में, मतलब सेल का जो साइकिल चल रहा होता है ना उसमें, जिसमें G1 फेज होती है, G2, M फेज, माइटोसिस फेज होती है, स्टॉप कोडॉन और ये सारी चीजें। हम MYC का किस तरह काम करता है, इट अप रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ राइबोसोमल RNA जीन एंड राइबोसोमल RNA प्रोसेसिंग, देयर बाय एनहांसिंग द असेंबली ऑफ राइबोसोम नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो पता चल गया कि राइबोसोमल RNA जीन पे जाके उसकी एक्सप्रेशन को अप रेगुलेट करेगा। फिर साथ क्या करेगा, जीन की एक्सप्रेशन को, पहले इसने क्या किया, RNA राइबोसोमल RNA जीन की एक्सप्रेशन और उसकी प्रोसेस को उसने अप रेगुलेट किया। फिर इट अप रेगुलेट्स द प्रोग्राम ऑफ जीन एक्सप्रेशन दैट लीड्स टू मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग एंड वॉरबर्ग इफेक्ट, अनदर कैंसर हॉलमार्क। वॉरबर्ग इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, जिसने सारी रीप्रोग्रामिंग करनी है। अमंग द जीन्स इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म दैट आर अप रेगुलेटेड बाय MYC आर मल्टीपल ग्लाइकोलेटिंग एंजाइम एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्लूटामिन मेटाबॉलिज्म, बोथ ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू द जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स दैट आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज DNA, प्रोटीन एंड लिपिड। सो MYC का बेसिकली इन शॉर्ट याद रखना, इट इज कंसिडर्ड अ मास्टर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर ऑफ सेल ग्रोथ, ठीक है, एक बात, मास्टर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर है सेल ग्रोथ का। और इंडीड फास्टेस्ट ग्रोइंग जो ह्यूमन ट्यूमर हैं जैसे बर्किट लिम्फोमा है, ठीक है, वो भी वर्चुअली ऑलवेज बियर्स अ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग द MYC आर दोज विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ MYC, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो बर्किट लिम्फोमा एक टाइप ऑफ कैंसर है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर है, ठीक है, उसके अंदर भी MYC के लेवल पे क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हुई भी होती है, ठीक है। और फिर वही आगे बात बता रहे हैं, इन सम कंटेक्स्ट MYC अप रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमरेज, ठीक है, टीलोमरेज इज वन ऑफ द सेवरल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द एंडलेस रेप्लिकेटिव कैपेसिटी ऑफ द कैंसर सेल्स, ठीक है, इमोर्टलाइजेशन, ठीक है, मतलब एंडलेस, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इतने ज्यादा कैंसर सेल रेप्लिकेट होंगे, तो टीलोमरेज को की अब एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। और टीलोमरेज क्या है, इट लीड्स टू द एंडलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल capacity of the cancer cell, and MYC is one of the handful of transcription factor that can act together to reprogram the somatic cells into the pluripotent stem cells, ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि वो एक मतलब transcription factor है, ठीक है, और जिसका काम क्या है, जिसने reprogramming करनी है सारे somatic cells की into pluripotent stem cells, ठीक है, मतलब वो सब रीप्रोग्राम कर रहा है सोमेटिक सेल्स को दोबारा से स्टेम सेल्स में के साथ मिलके, किस तरह से उसने प्रोग्रामिंग करनी है, स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होना है, ये सारा कैंसर फैलाने में। तुम लोगों ने याद रखना है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ठीक है। अब आगे उसने वही बताया हुआ है पैराग्राफ में, यही MYC का रोल डिस्कस किया हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी डिसरेगुलेशन या इसकी ऑल्ट्रेशन की वजह से काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। बर्किट लिम्फोमा का जिक्र किया हुआ है, MYC ट्रांसलोकेशन जैसे बर्किट लिम्फोमा में होती है, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में, कोलोन कैंसर में, लंग कैंसर में भी MYC काफ़ी का लेवल काफ़ी एम्पलीफाइड होता है। इसके अलावा कुछ फंक्शनली आइडेंटिकल MYC की फॉर्म है जैसे NMYC एंड LMYC, वो न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है, ये कैंसर है बच्चों में होता है, ठीक है, एड्रेनल्स का, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड लेवल्स होते हैं। इसके अलावा MYC प्रोटीन लेवल्स, मतलब ये इन्होंने बताया हुआ है कि किस किस उसमें इंक्रीज होती है। इसके अलावा देन दस कॉन्स्टिट्यूटिव रैस मैप काइनेज सिग्नलिंग, नॉच सिग्नलिंग, WNT सिग्नलिंग एंड हेजहॉग सिग्नलिंग ऑल ट्रांसफॉर्म सेल्स इन पार्ट थ्रू अप रेगुलेशन ऑफ MYC। ये पीछे पाथ हमने पाथवेज कुछ पढ़े थे, ये सारे पाथवेज होते हैं जो कि कैंसर
को आगे लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे रैस, मैप काइनेज सिग्नलिंग, नॉच सिग्नलिंग जैसे ब्लड के कैंसर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, WNT सिग्नलिंग जो होती है वो कोलोन कैंसर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हेजहॉग सिग्नलिंग मेडुलोब्लास्टोमा के कैंसर में, ठीक है, लेकिन ये सारे अप रेगुलेशन ऑफ MYC की मदद से चलते हैं, ठीक है। सो ये इनके नाम याद कर लेना कि कौन कौन सी सिग्नलिंग किस टाइप ऑफ कैंसर में हो रही होती है। अब कुछ साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस देख लेते हैं, CDKs, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स ट्रांसड्यूस सिग्नल सेट स्टिमुलेट द ऑर्डरली प्रोग्रेशन ऑफ सेल्स थ्रू वेरियस फेजेस ऑफ सेल साइकिल द प्रोसेस बाय विच सेल रेप्लिकेट देयर DNA इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर सिग्नल्स ट्रांसड्यूस करते हैं जो कि सेल के वेरियस फेजेस ऑफ प्रोग्रेशन में हेल्प करते हैं, किस तरह से सेल्स ने रेप्लिकेट करना है, उनके DNA ने किस तरह से सेल डिवीजन के लिए सेल को प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये जितना सेल की प्रोग्रेशन है ना, सेल डिवीजन की और सेल आगे चल रहा होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस CDKs विच आर एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग टू साइक्लिन, ठीक है, सो कॉल्ड बिकॉज द साइक्लिंग नेचर ऑफ देयर साइक्लिक नेचर ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन। साइक्लिक नेचर होती है ना, सेल डिवीजन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इस प्रोसेस को आगे चलाते हैं, ठीक है, और साइक्लिन के साथ ये बाइंड करते हैं। सो द साइक्लिन एंड द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेट द क्रूशियल टारगेट प्रोटीन्स दैट ड्राइव सेल फॉरवर्ड थ्रू द सेल साइकिल। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि साइक्लिन अरोज द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर ऑफ विच देयर आर मेनी साइलेंस द CDK, जिस तरह वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है उनके कुछ इनहिबिटर भी होंगे जो कि नेगेटिव कंट्रोल करेंगे उस चीज को, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये देखो, उन्होंने एम्प्लीफिकेशन ऑफ MYC जीन दिखाई हुई है इन ह्यूमन न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। द NMYC जीन नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 2p, ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम 2p के ऊपर प्रेजेंट है, बिकम एम्प्लीफाइड एंड इज आइदर सीन एज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल मिनट्स और एज अ क्रोमोसोमली इंटीग्रेटेड होमोजेनियस स्टेनिंग रीजन, ठीक है। अब ये इतना सा रीजन था, ठीक है, अब जब इसकी एम्प्लीफिकेशन हो गई तो वो आपको कैसा नजर आएगा, आइदर एज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल मिनट्स, ये काफी सारी इसकी डबलिंग हो गई, या फिर एक इतना बड़ा इस कॉम्प्लेक्स को देखो, ठीक है, होमोजेनियस स्टेनिंग रीजन, इतना बड़ा, ये इतना सा था और अब ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। द इंटीग्रेशन इन्वॉल्व अदर ऑटोसोम सच एज द 4, 9 और 13, ये आपको बेसिकली दिखाया हुआ है कि MYC किस तरह से जीन की एम्प्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएगा। ये यहाँ पे पार्ट अलहदा हो गया, ये इतना ज्यादा इसने एम्प्लीफाई कर दिया जो पार्ट छोटा सा था और ये कैंसर की तरफ अब ले जाएगा। अच्छा, अब कुछ CDKs की एग्जांपल आपकी बुक में एक टेबल 7.6 है, उसमें दी हुई है कुछ सेल साइकिल कंपोनेंट्स हैं, उनके इनहिबिटर्स है दैट आर फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड इन कैंसर, ये म्यूटेट होंगे तो कैंसर आगे चलेगा, ठीक है। कुछ साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं CDK4, इनका काम क्या होता है, दे फॉस्फोराइलेट RB रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स, RB उनको कहते हैं, अलाउइंग द सेल्स टू प्रोग्रेस थ्रू द G1 रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, ठीक है, ये सेल का ग्रोथ 1 ये रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है G1 ग्रोथ के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा CIP एंड सेल साइकिल इनहिबिटर्स हैं, उनकी फैमिली है P21, P27, दे ब्लॉक द सेल साइकिल बाय बाइंडिंग टू द साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। P21 इज इंड्यूस्ड बाय द ट्यूमर सप्रेसर P53 एंड P27 रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ सप्रेसर सच एज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। अब ये सेल साइकिल इनहिबिटर्स हैं बच्चों, इनके नाम याद कर लेना, ठीक है, जो P21 है, P27 है, इसके अलावा INK4 है, ठीक है। इनका काम सबका यही है कि साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स से बाइंड करती है और इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और फिर सेल साइकिल चेक पॉइंट कॉम्पोनेंट्स हैं कुछ RB हैं, P53, ये दोनों ट्यूमर सप्रेसर हैं, ठीक है, RBB, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर पॉकेट प्रोटीन है और इसका काम ये होता है कि ये इन इस फेज को ये प्रिवेंट करती है G1 से S ट्रांजिशन में, ठीक है। ट्यूमर और P53 ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, मेजॉरिटी ऑफ कैंसर में इसकी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है और एपोप्टोसिस एंड एक्स मेनली थ्रू P21 टू कॉज सेल साइकिल अरेस्ट, ठीक है, इसका बेसिकली ये काम होता है। ये दोनों ट्यूमर सप्रेसर है, सेल के चेक पॉइंट्स हैं RB एंड P53। P53 का इस बुक में आगे बहुत दफा जिक्र होगा, P53 इज बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। सब अब वो बता रहे हैं कि दो मेन सेल के चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे होते हैं ना चेक पॉइंट, जैसे कहीं पे नाका लगा हुआ होता है, ठीक है, चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह सेल के बीच सेल साइकिल के दो चेक पॉइंट होते हैं, एक G1 टू S ट्रांजिशन और एक होता है G2 टू M ट्रांजिशन, ठीक है। ये सब टाइटली रेगुलेटेड होते हैं, एक बैलेंस चल रहा होता है ग्रोथ प्रोमोटिंग एंड ग्रोथ सप्रेसिंग फैक्टर्स का, और कुछ सेंसर्स होते हैं जो DNA डैमेज को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेंसर डिटेक्ट करेंगे कि सेल साइकिल प्रोग्रेशन में कोई गड़बड़ हुई है, कहाँ पर डैमेज हुई है और उसको रिपेयर करना है, इनिशिएट करना है एपोप्टोसिस को किस तरह से। और जो G1 से एस वाली ट्रांजिशन वाली फेज है ना, ये जो पहली वाली है,
ठीक है, एस मतलब सिंथेसिस है और एम मतलब यहाँ माइटोसिस है, ठीक है। ये सिंथेसिस वाली चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैंसर में, क्योंकि अगर इनकी कोई डिसरेगुलेटेड ग्रोथ हो गई तो आगे कैंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो मेजर कैंसर की म्यूटेशंस बता रहे हैं जो कि G1 से S फेज को के चेक पॉइंट्स पे कंट्रोल करती है, ठीक है। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द डी साइक्लिंग जीन्स एंड CDK4 उनको जीन दैट प्रमोट G1 थ्रू S प्रोग्रेशन भी कुछ पॉइंट्स बता रहा है, ठीक है। बोल्ड में आगे सारे ये पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं कि कुछ गेन ऑफ फंक्शन होगा म्यूटेशंस का डी साइक्लिन जीन्स का एंड CDK4 ऑनको जीन्स का जो कि प्रोमोट करेंगे G1 टू S प्रोग्रेशन, ठीक है। इस फेज को गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस होंगी, म्यूटेशंस गेन होती जाएंगी इस फेज पे G1 से S प्रोग्रेशन में। तीन साइक्लिन जीन्स का बताया हुआ है जैसे D1, D2, D3 है, ठीक है, इंटरचेंजेबल है और एक्वायर्ड म्यूटेशंस इनमें कैंसर में आ जाती हैं, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो जाती है कुछ लिम्फोइड ट्यूमर्स में, कुछ सॉलिड ट्यूमर्स में। इसके अलावा एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है कोई चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, CDK4 जीन की, ये भी कुछ मेलेनोमास वगैरह में हो जाती है, सार्कोमास, कुछ ग्लायोब्लास्टोमा, कुछ टाइप ऑफ कैंसर है, ठीक है। इसके अलावा पहले हमने गेन ऑफ फंक्शन पढ़ा किस जीन में होगी, डी साइक्लिन जीन्स, ठीक है, दैट प्रोमोट द G1 टू S प्रोग्रेशन। इनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो ये आगे सही काम नहीं करेंगे, G1 से S फेज सही चलेगी नहीं। और लॉस ऑफ फंक्शन अगर म्यूटेशन हो जाए कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन में, जिनका काम क्या है कि जिन्होंने G1 से S प्रोग्रेशन को रोकना था, ठीक है, उनका लॉस हो जाएगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का मतलब ये है कि उन्होंने ट्यूमर को आगे फैलने से रोकना था। अच्छा, अब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स हैं जिन्होंने साइक्लिन डी और सी डी के कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करना था, वो म्यूटेट हो जाते हैं या साइलेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया हुआ है कुछ मेलानोमास हैं उनमें जर्म लाइन म्यूटेशन हो जाए अगर P16 क्रोमोसोम पे, ठीक है, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ पेंक्रियाटिक कैंसर में, कुछ ग्लायोब्लास्टोमास, ये ब्रेन के कैंसर हैं, एसोफेजियल कैंसर हैं, ब्लड के कैंसर जैसे कि वो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, लंग का स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, कुछ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास हैं, ब्लैडर कैंसर हैं। सो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन हमने कौन से पढ़े थे पीछे, RB और P53, उसको TP53 भी कहते हैं। इन दोनों का यही काम होता है कि दोनों ने प्रोटीन्स इनकोड करनी होती हैं जो कि इनहिबिट करती हैं G1 से S प्रोग्रेशन को, ठीक है, RB एंड P53। ये बच्चों याद रखनी है, दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, अगर इनका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कुछ देख लेते हैं, इनको जरा सुपरफिशियली पढ़ेंगे, इनको बुक से जरा डिटेल में देख लेना कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का बेसिकली काम क्या होता है। अब जैसे ऑनको जीन्स होती है उन्होंने सेल की प्रोलीफरेशन को ड्राइव करना होता है, द प्रोडक्ट्स ऑफ मोस्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन अप्लाई ब्रेक्स टू सेल प्रोलीफरेशन, ब्रेक्स, ठीक है, नाम से इनका नाम पता लग रहा है ट्यूमर सप्रेसर जीन, इन्होंने सेल प्रोलीफरेशन पे ब्रेक लगा दी है, आगे वो नहीं चलेगी। एन एबनॉर्मेलिटी इन दीज जीन्स लीड टू फेलियर ऑफ ग्रोथ इनहिबिशन, अनदर फंडामेंटल हॉलमार्क ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। और अगर इनका एबनॉर्मेलिटी होगी इन जीन्स की तो क्या होगा, ग्रोथ इनहिबिशन के फेलियर हो जाएगा, मतलब अब ग्रोथ अनहिबिटेड चलेगी ना, ठीक है, ग्रोथ रुकेगी नहीं, कैंसर फैलता जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स RB और P53 उसने बताया कि इनका रेगुलेटरी नेटवर्क होता है, ठीक है, ये इस तरह साथ एक्ट करके चलती है, आगे भी इसमें यही चीज बताई हुई है। अच्छा, कुछ दूसरे जो ट्यूमर सप्रेसर हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिफरेंशिएशन कॉजिंग सेल टू एंटर अ पोस्ट माइटोटिक डिफरेंशिएटेड पूल विदाउट रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। तो ये सारा इसमें यही पैराग्राफ में बताया हुआ है कि किस तरह से ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन वगैरह को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। और ये सारे जो इनके प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे, सेल साइकिल इनहिबिटर के तौर पे, सेल साइकिल रिसेप्टर के तौर पे सब काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं DNA डैमेज को, ठीक है। अच्छा, बुक में आप लोगों को ट्यूमर सप्रेसर जीन बताए हुए और उसके साथ एसोसिएटेड फैमिलियल सिंड्रोम्स और कैंसर बताए हुए, ठीक है। ये टेबल 7.7 है बच्चों, इसमें ऊपर APC है, ठीक है, एडिनोमेटिस पॉलीफोसिस कोलाई जीन है। अच्छा, ये देखो ये जीन लिखा हुआ है ऊपर, फिर प्रोडक्ट प्रोटीन है, इसका फंक्शन है, इसके फेमिलियल सिंड्रोम है और स्पोराडिक कैंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, क्योंकि इसमें आपसे अगर पूछा जाए बुक में, आप लोगों से MCQ आए आप लोगों के, कौन सा जीन है उसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम होगा, ठीक है, और उसकी वजह से कौन सा उसका फंक्शन लॉस होगा, उसके साथ फेमिलियल सिंड्रोम और उसके साथ फेमिलियल एसोसिएटेड कैंसर कौन सा होगा, जिसमें APC है, एडिनोमेटिस पॉलीफोसिस कोलाई, ठीक है। अब कोलाई ये नाम से ही पता लग रहा है कि कोलॉन से रिलेटेड कहीं जीन है, COLI, ठीक है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, ये इनहिबिटर है WNT सिग्नलिंग का। WNT सिग्नलिंग पीछे हमने पढ़ी थी कि कोलॉन कैंसर में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके साथ रिलेटेड कैंसर सिंड्रोम कौन सा होगा, फेमिलियल
कोलोनिक पोलिप एंड कार्सिनोमास, और साथ कैंसर कौन सा होगा, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, कोलोन, पेंक्रियाज एंड मेलानोमा, इस तरह सबका बताया हुआ है. ठीक है, NF1 न्यूरोफाइब्रिन 1 ये हमने पिछली दफा पढ़ा था. इसके अलावा NF2 का काम क्या है, मर्लिन जीन्स के साथ. ठीक है, ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस करता है, कैंसर करेगा न्यूरोब्लास्टोमा. ठीक है, इस तरह NF2 है वो मर्लिन जीन के साथ कनेक्टेड है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 करेगा और श्वानोमा कैंसर करेगा. इस तरह P10 और SMAD और SMAD4 ये कुछ टाइप ऑफ जीन्स हैं. कुछ इनहिबिटर्स हैं सेल साइकिल प्रोग्रेशन के. ठीक है, जिस तरह RB है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है, कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा ये कॉज करता है. इस तरह कुछ इनहिबिटर हैं प्रो ग्रोथ प्रोग्राम के, BHL, बॉन हिपल लेंडोर प्रोटीन है. इसके अलावा कुछ इनहिबिटर्स हैं इन्वेजन एंड सारे उसके जो प्रोसेस CD के, ये जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, और ये ई कैटरेंस वगैरह ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल की इन्वेजन वगैरह से और मेटास्टेसिस वगैरह से रिलेटेड होती है. ठीक है, अच्छा, फिर कुछ एनेबलर्स ऑफ जीनोमिक इनस्टेबिलिटी है P53 प्रोटीन है इसके साथ रिलेटेड और ये मोस्ट ह्यूमन कैंसर में रोल प्ले करती है. इसके अलावा DNA रिपेयर फंक्शन BRCA1 BRCA2 से रिलेटेड है, ब्रेस्ट कैंसर प्रोटीन्स हैं ये. और इसके अलावा WT1 विल्प्स ट्यूमर में और MEN1, ठीक है, ये सारे पिट्यूटरी पैराथायरॉइड एंड पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स में रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो ये टेबल में अगर आप लोगों को आएगा तो आप लोगों को इसकी प्रोटीन, ठीक है, पूछ सकते हैं. और आप लोगों से इससे रिलेटेड फेमिलियल कैंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जीन थी लॉस हो गई, म्यूटेट हो गई थ्रू दिस पाथवे. ठीक है, अब कौन सा कैंसर होगा, ये सारे कैंसर लिखे हुए. ठीक है, अच्छा, फिर अब आगे इसको देखो, ये वही वाली स्लाइड है. ठीक है, इसको मैंने ज्यादा जूम करके आगे उस वो एक जगह पे बताए हुए थे, ये दो पार्ट्स में बताई हुई है कि वही सारी प्रोटीन्स जीन्स हैं, ये प्रोटीन्स उनकी लिखी हुई है. ठीक है, किस तरह से सेल साइकिल इनहिबिटर प्रोग्रेशन, ये सारी वही चीजें, ये स्लाइड को रिपीट किया मैंने बच्चों बड़ा करके दिखाया. ठीक है, वो एक जगह पे सब नजर आ रहे थे और ये डिफरेंट अलग अलग करके दिखाया. ठीक है, सो मेनी ऑफ अवर करंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूमर सप्रेसर इवॉल्व फ्रॉम द स्टडी ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन RB जीन, जैसे हमने पीछे पढ़ी थी. ठीक है, RB जीन जैसे नाम से पता लगता है रेटिनोब्लास्टोमा, बच्चों ये आई का कैंसर होता है. ठीक है, और इस जिस अगर 40% ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जो अप्रोक्सीमेटली फेमिलियल होते हैं. ठीक है, फेमिलियल मतलब ये फैमिलीज में रन कर रहे होते हैं. ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है. ठीक है, कैरियर अगर रेटिनोब्लास्टोमा ट्रेट का है तो उसमें 10,000 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग रेटिनोब्लास्टोमा ऑफन इन बोथ आईज, ये आई का कैंसर है. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 60% रेटिनोब्लास्टोमा अकर्स स्पोरैडिकली एंड सच पेशेंट आर नॉट एट इंक्रीज रिस्क फॉर अदर फॉर्म ऑफ कैंसर. टू एक्सप्लेन दीज टू पैटर्न ऑफ अकरेंस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, नेटसन प्रपोज हिज नॉन कैनोनिक टू हिट हाइपोथेसिस ऑफ ऑन्कोजेनेसिस. ठीक है, नेटसन हाइपोथेसिस है वो आगे ये आप लोगों की बुक में उसका पैथोजेनेसिस RB का बताया हुआ है कि किस रेटिनोब्लास्टोमा की आगे फैलता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्पोरेडिक फॉर्म है, स्पोरेडिक जो अचानक आई है. ठीक है, ये आप देखो, ये मेल फीमेल जर्म सेल्स हैं. ठीक है, सोमेटिक सेल्स ऑफ पेरेंट्स हैं. ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है. ठीक है, इसने अपना यहाँ से दिया, इसने अपना यहाँ से दिया, ये जाइगोट बन गया. फिर सोमेटिक सेल्स ऑफ चाइल्ड है, रेटिनल सेल्स है, यहाँ पे म्यूटेशन आ गई, ये लाल रंग वाली. ठीक है, और यहाँ पे ये म्यूटेशन ट्रेवल करेंगी, ये कैंसर बन गया आंख, ये आंख की पुतली दिखाई दी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे फेमिलियल फॉर्म है, फेमिलियल मतलब म्यूटेशन फैमिली में रन कर रही थी, यहाँ पे स्पोरेडिक अचानक आ गई, बदकिस्मती बैड लक. ठीक है, यहाँ पे फैमिली में रन कर रही थी, एक ये नॉर्मल जीन है फादर के अंदर ही, दूसरा म्यूटेंट RB जीन है, अब ये ट्रेवल कर रहा है. अभी देखो सब बच्चों में कैरियर आ गया, ये सब लाल वाले कैरियर हैं, लेकिन यहाँ पे एक के अंदर म्यूटेशन आ गई, बाकी दो कैरियर हैं. ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन आई थी एट दिस लेवल, यहाँ पे म्यूटेशन पीछे से चल रही थी और कैंसर आ गया. सो ये इसने बताया है कि किस तरह से RB जीन ये रेटिनोब्लास्टोमा को लेके चलता है. अच्छा, टू हिट हाइपोथेसिस को उसने बताया हुआ है कि टू म्यूटेशंस होती हैं इन्वॉल्विंग बोथ एलील्स ऑफ RB एट क्रोमोसोम लोकस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटिनोब्लास्टोमा. ठीक है, बोथ एलील्स ऑफ RB जब तक इन्वॉल्व होंगे तब ये आगे कैंसर फैलेगा. फेमिलियल केसेस में उसने वही बताया हुआ है जो पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया, और स्पोरेडिक केसेस में किस तरह से आगे चलेगा. Note that a child carrying an inherited mutant RB allele in all somatic cells is perfectly normal. ठीक है, अगर उसके अंदर inherited RB mutant allele carry कर रहा है वो normal भी हो सकता है, except for the increased risk of developing cancer. It follows that one defective RB gene does not affect cell behavior. मतलब दोनों उसके alleles का abnormal mutant होना जरूरी है cancer के लिए. ठीक है, अच्छा,
इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आरबी टाइप के और भी काफी सारे जीन्स अब डिस्कवर्ड होते जा रहे हैं. सो ट्यूमर सप्रेसर वर इनिशियली थॉट ऑफ नैरोली एज प्रोटीन दैट पुट्स द ब्रेक ऑन सेल साइकिल प्रोग्रेशन एंड इट इज नाउ अप्रिशिएटेड दैट सम ट्यूमर सप्रेसर प्रिवेंट सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अदर मैकेनिज्म सच एज ऑल्टरिंग सेल मेटाबॉलिज्म और बाय इंश्योरिंग जीनोमिक स्टेबिलिटी. ठीक है, सो ट्यूमर सप्रेसर जीन अब सेल को सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रिवेंट भी करता है थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म बाय ऑल्टरिंग सेल मेटाबॉलिज्म या बाय जीनोमिक स्टेबिलिटी को चेंज करके. सो आर बी इज बेसिकली अ गवर्नर ऑफ प्रोलीफरेशन अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ जी वन टू एस सेल साइकिल ट्रांजिशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनएक्टिवेटेड इन मोस्ट ह्यूमन कैंसर. सो आर बी ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कंट्रोल कर रहा है सेलुलर डिफ्रेंसिएशन को. ठीक है, एग्जिस्ट करता है एक्टिव हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इन क्वीसेंट सेल एंड इनएक्टिव हाइपरफॉस्फोराइलेटेड स्टेट इन सेल पासिंग थ्रू जी वन टू एस सेल साइकिल ट्रांजिशन. अब इसका लॉस्ट ऑफ म्यूटेशन होगी इन्वॉल्विंग बोथ आरबी एलील्स तो कैंसर आगे बढ़ेगा. ठीक है, द डिसीजन ऑफ सेल टू प्रोग्रेस फ्रॉम जी वन इंटू एस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल की प्रोग्रेशन में ये डिसीजन कि जी वन से एस फेज में सेल किस तरह से जाएगा टू कंप्लीट द मायोटोसिस एंड हाई लेवल्स ऑफ सी डी के साइक्लिन डी एंड सी डी के सिक्स साइक्लिन डी कॉम्प्लेक्सेस लीड्स टू हाइपर फॉस्फोराइलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ आर बी. ठीक है, अगर आर बी की इनहिबिशन होगी इसका मतलब है कि अब जी वन टू एस साइकिल प्रोग्रेशन एबनॉर्मल हो जाएगी. ठीक है, अच्छा ये कुछ इन आप लोगों को रोल ऑफ आरबी बताया हुआ इन रेगुलेटिंग द डी वन टू एस चेक पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल. ऊपर देखो ग्रोथ इनहिबिटर्स जीन बताए हुए जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा पी 53 बताए हुए. इधर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बताए हुए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर. इसकी एक्टिवेशन हुई साइक्लिंस. ठीक है, ये जीन्स को एक्टिवेट इसने किया, हाइपर फॉस्फोरिलेशन हो गई, ये फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया आरबी के साथ. ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन हो गई. ठीक है, एस पी एस जीन. यहाँ पे देखो क्या हुआ, ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स आ गए, ये स्टिमुलेट करेंगे इनहिबिटर्स को. ठीक है, ये इनहिबिटर्स इनएक्टिवेट कर देंगे इन जीन्स को. यहाँ पे इनकी एक्टिवेशन हुई थी, यहाँ पे इनहिबिशन होगी, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड आरबी होगा, यहाँ पे हाइपर था, प्रोटीन ज्यादा सारी अटैच थी, यहाँ सिर्फ दो अटैच हैं. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फिर देखो कि हिस्टोन डी एसिटाइलेज और हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज आके अटैच हुआ और एस फेज जीन्स पे ब्लॉकेज आ गई, ट्रांसक्रिप्शनल ब्लॉकेज हो गई है. यहाँ पे एक्टिवेशन थी, यहाँ ब्लॉकेज थी. तो ये इस तरह से इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं पी 53 और यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स किस तरह से एक्ट करते हैं. सो जर्म लाइन और जितने भी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है आरबी के जीन्स के, दे आर एसोसिएटेड विद रेटिनोब्लास्टोमा आंख के कैंसर के साथ, इसके अलावा ऑस्टियोसारकोमा बोन के कैंसर के साथ और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जैसे ग्लायोब्लास्टोमा लंग कार्सिनोमा ब्रेस्ट कैंसर ब्लैडर कैंसर. ठीक है, इसके अलावा अच्छा इनकी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो और छोटी बारीकियां हैं उनको बुक में देख लेना. ठीक है, वैसे यही चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ. ठीक है, अब आगे वो बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वेश्चन दैट व्हाई म्यूटेशंस ऑफ आरबी आर नॉट मोर वाइड स्प्रेड इन ह्यूमन ट्यूमर. द आंसर इज मच सिमिलर, म्यूटेशन इन अदर जीन दैट कंट्रोल आरबी फॉस्फोरिलेशन कैन मिमिक द इफेक्ट ऑफ आरबी लॉस इन सच जीन्स आर म्यूटेटेड इन मेनी कैंसर दैट हैव नॉर्मल आरबी जीन. ठीक है, आरबी की फॉस्फोरिलेशन आरबी लॉस के साथ मिमिक करती है जो कंट्रोल कुछ ऐसी म्यूटेशन है दूसरे जीन्स की जो कि आरबी फॉस्फोराइलेशन को कंट्रोल करते हैं वो मिमिक करते हैं. ठीक है, उसके जैसे होते हैं जैसे आरबी का लॉस और ऐसे जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं काफी सारे कैंसर में ऑल दो उनका आरबी जीन्स नॉर्मल हो. तो अब यहाँ पे पढ़ो करंट ली अब क्या सूरत हाल है कि लॉस ऑफ नॉर्मल सेल साइकिल कंट्रोल इज सेंट्रल टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट एट लीस्ट वन ऑफ द फोर की रेगुलेटर ऑफ द सेल साइकिल्स ये बताया है पी 16 ए4 ए साइक्लिन डी सी डी के 4 एंड आर बी इज डिसरेगुलेटेड इन वास्ट मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन कैंसर. अब ये एमसीक्यू आ सकता है कि नॉर्मल सेल साइकिल कंट्रोल में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में इन सेल साइकिल रेगुलेटर्स इनके नाम साइक्लिन डी सी डी के 4 आर बी पी 16 इन 4A इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर इनमें गड़बड़ होगी तो कैंसर आगे बढ़ जाएगा. सो द ट्रांसफॉर्मिंग प्रोटीन ऑफ सेवरल ऑन्कोजेनिक एनिमल एंड ह्यूमन डीएनए वायरसेस आल्सो एक्ट इन पार्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग द ग्रोथ इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ आरबी. ठीक है, कुछ कैंसर हैं कुछ जिस तरह सॉरी डीएनए वायरसेस हैं जैसे सिमियन वायरस 40 है, पोलियोमा वायरस, लार्ज टी एंड डीजन है, डीनो वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सब हाइपोफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ आरबी के साथ बाइंड कर लेते हैं. ठीक है, और वो किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन को होने से रोकेंगे. अच्छा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का केस वो बता रहा है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज हाईली एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कार्सिनोमा एंड इट एक्सप्रेसेस द E7 प्रोटीन वेरिएंट विद हायर एफिनिटी फॉर आरबी देन डू लोअर रिस्क वायरल टाइप. ठीक है, सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्वाइकल कैंसर में फीमेल्स में, ठीक है, सिर्फ फीमेल्स. इट एक्सप्रेस E7 प्रोटीन वेरिएंट इसके साथ अटैच होता है जिसकी आरबी के लिए स्पेशल एफिनिटी भी होती है. अच्छा, सो T53 को हम कहते हैं गार्डियन ऑफ द जीनोम, ठीक है. वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि सेल साइकिल प्रोग्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, सेलुलर सिनेसेंस को एंड एपोप्टोसिस को, एंड इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली म्यूटेटेड जीन इन ह्यूमन कैंसर. अगर इसका T53 का म्यूटेशन होगा मोर देन 50% कैंसर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ लंग्स, कोलोन एंड ब्रेस्ट, ठीक है. सो म्यूटेशंस आर प्रेजेंट इन बोथ T53 एलील एंड रिक्वायर्ड इन सोमेटिक सेल, ठीक है, नॉट इनहेरिटेड इन जर्म लाइन. ये जर्म लाइन के थ्रू इनहेरिट नहीं होता, जैसे आरबी होता था ना, ये नहीं होता, ठीक है. और इसका बता रहे हैं कि लेस कॉमनली इंडिविजुअल इनहेरिट वन म्यूटेटेड T53 एलील, ठीक है, ज्यादातर दोनों एलील्स का होना जरूरी है. एज इज द केस ऑफ आरबी सप्रेसर रेटिनोब्लास्टोमा, इनहेरिटेंस ऑफ द म्यूटेटेड कॉपी ऑफ T53 प्रीडिस्पोजेस इंडिविजुअल टू मैलिग्नेंट ट्यूमर बिकॉज ओनली वन एडिशनल हिट इन द लोन नॉर्मल एलील इज नीडेड टू एब्रोगेट द T53, ठीक है. वो एग्जांपल दे रहे हैं लीफ्रोमेनी सिंड्रोम है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह होता है, ग्रेटर 25-fold greater chance of developing malignant tumor by age 50, ठीक है, इसमें T53 के one allele पे mutation हो जाती है. अब आगे वही T53 के function को बता रहा है कि T53 analogous to RB many tumor lacking T53 mutation have instead other mutation affecting proteins, जैसे MDM2 है, इसके related protein है जो कि stimulate करती है degradation of P53, and these proteins are frequently overexpressed in malignancies with normal T53 allele, ठीक है. ये प्रोटीन जो है ओवर एक्सप्रेस होती हैं कैंसर्स में जिनके अंदर T53 नॉर्मल होगा, ठीक है. कुछ सार्कोमास में भी ये रेज होती हैं. सो फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ T53 फंक्शन इन ह्यूमन ट्यूमर रिफ्लेक्ट इट्स क्रिटिकल रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर डेवलपमेंट. दिस लाइन हैज टू बी रिमेम्बर, ठीक है. P53 का लॉस अगर हो जाए तो वो कैंसर की प्रिवेंशन को रोक देगा, ठीक है, कैंसर बढ़ता जाएगा. P53 carries out this role by serving as a focal point of large network of signals that sense cellular stress, primarily DNA damage, but also shortens telomeres, hypoxia, and stress. अच्छा. P53 carries out this role by serving as the focal point of a large network of signal that sends the cellular stress, primarily DNA damage. P53 क्या करते हैं, इस DNA damage होता है उसको पता लग जाता है. इसके अलावा short telomeres का, hypoxia, stress condition जितनी भी है वो इसको sense कर लेता है, ठीक है. As may occur in cells bearing mutation in genes such as RAS and MYC, ये genes जैसे हमने पीछे पढ़ी थी, ये इनकी mutation वगैरह अगर हुई हो. So P53 is held at bay through its aforementioned association with MDM2 in non-stress healthy cells. Or MDM2 kya hai? An enzyme that ubiquitinates P53 leading to its degradation by proteasome. ठीक है, ये एक एंजाइम है MDM2, ठीक है, जिसने P53 को डिग्रेडेशन करनी है by proteasome. अच्छा, अब जब भी DNA डैमेज होगा, हाइपोक्सिया होगा, P53 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. किस तरह से, दो प्रोटीन काइनेजेस की मदद से, ATM और ATR, एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया म्यूटेटेड एंड एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया एंड RAD3 रिलेटेड, ठीक है. जैसे इनके नाम से पता लग रहा है, एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया म्यूटेटेड जीन ओरिजिनली आइडेंटिफाई हुई थी एज अ जर्म लाइन म्यूटेशन इन इंडिविजुअल विद एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया, ये एक बीमारी होती है, ठीक है. पर्सन विद दिस डिजीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू रिपेयर सर्टेन काइंड ऑफ DNA डैमेज एंड सफर फ्रॉम एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर. इसके अलावा ATM और ATR, इनके डैमेजेस डिफरेंट सेंस होते हैं, और एक दफा ट्रिगर्ड हो जाएं तो फिर ये फॉस्फोरिलेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है. सो DNA डैमेज और हाइपोक्सिया, इसके अलावा कोई भी ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस होता है जैसे एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोप्रोटीन सच एज RAS, इट्स लीड्स टू सस्टेन सिग्नलिंग थ्रू प्रो ग्रोथ पाथवे सच एज MAP काइनेज एंड PI3K/AKT पाथवे, ठीक है. मेन हेडिंग्स याद रख लो तुम लोगों के लिए और साथ एक एक एग्जाम्पल, ठीक है. ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस हो गया, फिर एक दफा एक्टिवेट होने के बाद न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिएंट सेल साइकिल अरेस्ट, परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट, प्रोग्रामिंग सेल डेथ, ठीक है. ये T53 इनको कंट्रोल करती है सबको, ठीक है. P53 बेसिकली बाइंड करेगी DNA के साथ स्पेसिफिक फैक्शन में, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगी एंड 100 ऑफ डिफरेंट टारगेट जीन्स पे एक्ट करेगी,
ठीक है, डिफरेंट टर्की टारगेट जीन्स दैट एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ P53 आर नॉट कम्प्लीटली डिफाइंड, लेकिन इनकी तीन मेन कैटेगरीज हैं, एक वो जो सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं, एक जो एपोप्टोसिस कॉज करते हैं, और एक जो कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म या एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, तो P53 इन पे एक्ट करेगी जाकर, ठीक है, ये भी वही बात लिखी हुई है। इसके अलावा P53 इंड्यूस सेल साइकिल अरेस्ट होता है ट्रांसिएंट वक्ती तौर पे, ठीक है, रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है, कंसीडर्ड एज अ प्राइमोर्डियल रिस्पांस टू डीएनए डैमेज, ठीक है, डीएनए डैमेज की वजह से रैपिड रिस्पांस होता है इसका, ठीक है, इट अकर्स इन द G1 फेज एंड इज कॉज्ड इन पार्ट बाय P53 डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ CDKN1A जीन व्हिच एनकोड्स द CDK2 इनहिबिटर P21। अच्छा, ये लाइन आप लोगों को से नहीं पूछी जाएगी इतनी मुश्किल के ये किस, लेकिन ये वो पैराग्राफ में पीछे दिया हुआ था कि P21 जो क्रोमोसोम इनहिबिट करेगा इस कॉम्प्लेक्स को, CDK4D साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, और P53 हेल्प करेगा किस इंड्यूस करेगा कौन सी प्रोटीन्स को, GAD4 इसके अलावा, जो कि DNA रिपेयर को इनहेंस करेंगी, ठीक है, तो बेसिकली P53 ने ट्यूमर को आगे बढ़ने से रोकना है। P53 रिड्यूस सिनेसेंस है, सिनेसेंस क्या होती है, परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट, ठीक है, सिनेसेंस का वर्ड जहाँ पे है इसका मतलब होता है परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट हो चुके हैं, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक चेंजेस इन द मॉर्फोलॉजी एंड जीन एक्सप्रेशन दैट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रिवर्सिबल सेल साइकिल अरेस्ट, और कौन सी फेज से होगा, G1 से ऐसी जो हम पीछे फेज पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अब ये कुछ रोल ऑफ P53 इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ जीनोम बताया हुआ है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन, कोई म्यूटेशन, कोई कार्सिनोजन आया, ये सेल बताया हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, ये सारे बताए हुए, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, इसमें P53 नॉर्मल है, ये सेल विद म्यूटेशन है या जिसमें P53 लॉस हो गया, अब इसमें देखो DNA डैमेज हुआ, P53 एक्यूमुलेट होगा, बाइंड करेगा DNA, फॉरन एक्टिव हो गया P53, ठीक है, DNA डैमेज हुआ, यहाँ P53 डिपेंडेंट जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे क्योंकि म्यूटेशन हो गई है, P53 लॉस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शनल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इफेक्ट होगा, टारगेट पे सिनेसेंस हो जाएगी, ठीक है, परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, मतलब कैंसर आगे नहीं जाएगा, ठीक है, P21 इनहिबिटर G1 अरेस्ट कर देंगे, सक्सेसफुल रिपेयर हो जाएगी, DNA रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, और कुछ एपोप्टोसिस जीन भी रिपेयर एक्टिव हो जाएंगे जहां पे रिपेयर फेल हो जाएगी, ठीक है, इसके अलावा जब म्यूटेशन हो जाएगी, जब P53 एक्टिवेट नहीं होगा तो सेल साइकिल अरेस्ट भी नहीं होगी, कोई DNA रिपेयर भी नहीं होगा, कोई परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट भी नहीं होगा, यहां पे क्या होगी, एडिशनल म्यूटेशन और एक्सपेंशन होती जाएगी, देखो नीचे लिखा हुआ है मेलिग्नेंट ट्यूमर, खतरनाक किस्म का कैंसर बनता जाएगा। So P53 induced apoptosis of cell with irreversible cell damage is the ultimate protective mechanism against neoplastic transformation, apoptosis of cell, ठीक है? और कुछ apoptotic genes जैसे BAGS and PUMA बताए हुए, ठीक है, which are believed to play a balance in the favor of cell death by intrinsic pathway, ठीक है? इसके अलावा कुछ what determines whether a cell repairs its DNA, becomes senescent, मतलब ये सब कुछ डिपेंड करता है P53 की एक्टिवेशन पे, ठीक है, P53 किस तरह से रिपेयर करेगा ये सारा इस पे डिपेंड करता है। हम आगे बोल्ड में एक लाइन दी हुई है कि विद लॉस ऑफ P53 फंक्शन DNA डैमेज डज गोज अनरिपेयर्ड, ठीक है, ड्राइवर म्यूटेशन एक्यूमुलेट्स इन ऑन्कोजीन्स एंड अदर कैंसर जीन एंड द सेल मार्चेस ब्लाइंडली अलोंग अ डेंजरस पाथ लीडिंग टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जब P53 का फंक्शन लॉस हो जाएगा तो DNA का डैमेज रिपेयर नहीं हो सकेगा, ज्यादातर सारी ड्राइवर म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाएंगी और कैंसर जीन्स फैलते जाएंगे, ठीक है, इवेंचुअली लीडिंग टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इस पैरा में वही बताया हुआ है, आगे बुक में देख लेना। अच्छा, अब कुछ P53 के फैमिली मेंबर्स हैं P63 और P73, वो P53 के साथ कोलैबोरेट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सेल रिपेयर वगैरह में, ठीक है, और कीमोथेरेपी वगैरह में इंड्यूस जो चेंजेस होती हैं आफ्टर DNA डैमेज, ठीक है, उनमें भी। अच्छा, कुछ और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं जो आपकी बुक में बताए हुए हैं, जैसे APC हमने पीछे पढ़ा था, डीनोमेटिस पॉलीपर्सिस कोलाय, ये मेंबर है ट्यूमर सप्रेसर का, जो फंक्शन कंट्रोल करते हैं, डाउन रेगुलेट करते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग सिग्नलिंग पाथवेज का। अगर इसके लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए APC लोकस पे, ठीक है, तो ये कैंसर, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस एक कैंसर है, ठीक है, वो हो जाता है बच्चों टीन्स में या 20s में, ठीक है, एंड वन और मोर ऑफ दीज पॉलिप्स। अच्छा, ये पॉलीपोसिस इज नॉट कैंसर, कैंसर से पहले वाली ये कंडीशन है, ठीक है, एडिनोमेटस फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में पॉलिप बने हुए थे, ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रोथ अनरेगुलेटेड हो, इस पे कोई चेक बैलेंस ना हो, और या फिर बोथ कॉपीज ऑफ APC जीन म्यूटेट हो गई हैं, ये APC जीन, तब फिर ये कैंसर जो ये पॉलीपोसिस वाला जीन है ना, ये खत्म हो जाएगा और ये कैंसर की तरफ बढ़ता जाएगा,
ठीक है। सो एक एपीसी जीन हो गया जो कि गेट कीपर है कोलोनिक नियोप्लेजिया का। एपीसी जीन में कुछ गड़बड़ हुई, इसका मतलब है कि कोलोन का कैंसर हो जाएगा, ठीक है। और एपीसी किसके थ्रू एक्ट करता है, WNT सिग्नलिंग पाथवे। ये पीछे हम लोगों ने वो बड़ा सा टेबल है ना, ये सारा उसी की लिखी हुई है चीजें, ये किस पाथवे के थ्रू एक्ट करता है। WNT पाथवे मेजर रोल प्ले करता है सेल की फेथ में, एडिशन में, सेल की पोलैरिटी में थ्रू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सारा, ठीक है। फिर एपीसी बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे में ट्यूमरोजेनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये भी आगे देख लीजिएगा बच्चों। तो बीटा कैटेनिन क्या है, टारगेट ऑफ एपीसी है, इज इटसेल्फ अ प्रोटो ऑनको प्रोटीन। अच्छा अब ये देखो, रोल ऑफ एपीसी बताया, रेगुलेटिंग द स्टेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ बीटा कैटेनिन, एक रेस्टिंग सेल बताया हुआ है, उसमें ऊपर WNT रिसेप्टर बताया हुआ है, ठीक है। ये रेस्टिंग सेल है, इस पे एपीसी जीन लगा हुआ है, ये बीटा कैटेनिन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आके देखो, ये यहाँ पे सॉरी ई कैटेनिन के साथ अटैच हुआ है, और यहाँ पे बीटा कैटेनिन एपीसी के साथ अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसने पीछे यहाँ पे बताया भी हुआ है सारा कि ये किस तरह से रोल ऑफ एपीसी इन रेगुलेटिंग द स्टेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ बीटा कैटेनिन, एपीसी एंड बीटा कैटेनिन आर कंपोनेंट ऑफ द WNT सिग्नलिंग पाथवे। ए में क्या हो रहा है, रेस्टिंग कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स हैं, बीटा कैटेनिन मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बना देता है एपीसी के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा कैटेनिन कर देता है, एंड इंट्रासेलुलर बीटा कैटेनिन आर लो। बी में क्या हो रहा है, बी में यहाँ पर WNT के साथ अटैच हो गया, इसकी स्टिमुलेशन और ये सिग्नल्स आ गए, एपीसी अलहदा हो गया है बीटा कैटेनिन के साथ, एंड द डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स इज डीएक्टिवेटेड, बीटा कैटेनिन डिग्रेडेशन डज नॉट अकर। जैसे यहाँ पे डिग्रेडेशन हो गई थी ना, ये टूट फूट गया था, इसकी यहाँ डिग्रेडेशन नहीं हुई है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इसका लेवल इंक्रीज हो गया, एंड बीटा कैटेनिन विल ट्रांसलोकेट्स टू द न्यूक्लियस वेयर इट्स बाइंड्स द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर दैट एक्टिवेट्स जीन इन्वॉल्व इन सेल साइकिल प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखो, ये इसके साथ अटैच हो गया। इस तरह यहाँ पे भी ट्यूमर्स है जिनके अंदर एपीसी म्यूटेटेड है, ठीक है। तो वहां पे भी इसी तरह हो रहा है जैसे कोलोनिक पॉलिप में और कैंसर में हुआ था, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन एपीसी की नहीं होगी, और यहाँ बीटा एपीसी नहीं है, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा कैटेनिन नहीं होगी। फिर इसके अलावा ई कैटेनिन है, ई कैटेनिन एक सेल सरफेस प्रोटीन होती है जो कि कैडेयर करती है, ठीक है। ई से एपिथिलियम याद रखना है, सेल सरफेस याद रखना है, और कैडेरिन ADH adhere से याद रखना है, adhesiveness, ठीक है। ये सेल को आपस में जोड़ के रखती है, और अगर सेल टू सेल कॉन्टेक्ट लॉस्ट होगा, इसका मतलब होगा कि इंटरेक्शन बिटवीन ई कैटेनिन एंड बीटा कैटेनिन लॉस्ट हो गया है। सो ई कैटेनिन बेसिकली रोल प्ले करती है वोंड हीलिंग वगैरह में, ठीक है, जहाँ पे सेल को आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा होना होता है, ठीक है। लॉस ऑफ ई कैटेनिन मेलिग्नेंट फिनोटाइप की तरफ भी कंट्रीब्यूट करती है, जो कि लोकली भी इन्वेजिव हो सकते हैं, मेटास्टाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ ई कैटेनिन जीन नोन एज CDH1 कॉजेस फैमिलियल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड अ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ स्पोरैडिक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है, रोल प्ले करते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में। अच्छा, इस तरह CDKN2A भी एक जीन है विच इनकोड्स टू प्रोटीन P16 INK4A एंड साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ठीक है। ये सारे RB के चेक पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। CDKN2A हमने पीछे भी पढ़ा था, म्यूटेशन और साइलेंसिंग अगर इस होगी इस जीन की, तो ये बोथ RB और P53 ट्यूमर सप्रेसर पाथवेज को अफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा P16 ऑल्सो अपीयर्स टू इम्पोर्टेंट इन द इंडक्शन ऑफ सेलुलर सेनेसेंस, जेम लाइन म्यूटेशन अगर इसकी हो गई तो फेमिलियल फॉर्म ऑफ मेलानोमा, ये स्किन कैंसर है ये हो सकता है, इसके अलावा ब्लैडर कैंसर, हेड एंड नेक ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा पाथवेज में अगर पोटेंट इनहिबिटर होता है प्रोलीफरेशन का, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, डीमिनरलाइजेशन हो गई, तब भी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। और इन मेनी फॉर्म ऑफ कैंसर दीज ग्रोथ इनहिबिटिंग इफेक्ट्स आर इंपेयर्ड बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग पाथवे। ये एक इंपॉर्टेंट पाथवे है जो कि कैंसर में, जिसमें मोस्टली कैंसर में इस पाथवे की म्यूटेशन हुई भी होती है, ठीक है। सो बच्चों ये पाथवे याद रखना है, रिसेप्टर पाथवे, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर पाथवे। इसके अलावा कुछ P10 है, P10 का मतलब है फॉस्फेटेज एंड टेंसिन होमोलॉग, ये भी मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फॉस्फेटेज है, ठीक है। कॉर्डन सिंड्रोम में म्यूटेट हुआ होता है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, इसमें बेनाइन ग्रोथ हो जाती है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ये कैसे ट्यूमर सप्रेसर के तौर पर एक्ट करता है, ये इस पाथवे के ऊपर PI3K के ऊपर चेक रखता है, एक ब्रेक रखता है, और P10 जीन का फंक्शन काफी सारे जीन्स में लॉस हो जाता है। इसके अलावा NF1 जीन है जिसको पीछे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 जीन हमने पीछे देखा था, ये NF1 न्यूरोफाइब्रिन प्रोटीन को इनकोड करता है।
इसके अलावा NF2, ये सारे वही हैं जो पीछे टेबल में थे। इसको न्यूरोफाइब्रोमिन 2 और मर्लिन जीन है, ठीक है। ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कैंसर कॉज करता है अगर ये जीन की म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा WT1 जीन, इसको भी हमने पीछे पढ़ा था कि WT1 का लॉस होता है तो विल्म्स ट्यूमर होता है, बच्चों में किडनी का कैंसर है। इसके अलावा पैश PTCH, ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये सब हम ट्यूमर सप्रेसर जीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनकी म्यूटेशन होने की वजह से फलाना फलाना कैंसर हो जाएगा। ये कैंसर का नाम भी याद रखना, वो टेबल याद रखना है बड़ा वाला, ठीक है। इसके अलावा PTCH है, ठीक है, इसकी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो गॉर्लिन सिंड्रोम होगा, ठीक है। गॉर्लिन सिंड्रोम क्या होता है? गॉर्लिन सिंड्रोम इज ऑल्सो नो कंडीशन विच इज ऑल्सो नोन एज नेवॉइड बेजल सेल कार्सिनोमा, स्किन का कैंसर है, ठीक है। और इसके अलावा मेडुलोब्लास्टोमा ब्रेन का कैंसर है, ये अराइज होता है चिल्ड्रन में और यंग अडल्ट्स वगैरह में। अच्छा, वही PCTH का आगे बताया हुआ है। इसके अलावा VHL वॉन हिपल लिंडोर जीन है, ये भी हमने पीछे देखी थी, जो कि हेरिडिटरी रीनल सेल कैंसर में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्रोमोसाइटोमा, हेमेंजियोब्लास्टोमा ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जितने भी रीनल किडनीज वगैरह के ना ज्यादा उससे रिलेटेड होता है। और VHL की म्यूटेशन, अगर VHL की म्यूटेशन हो जाए तो किडनीज के कैंसर बहुत कॉमन है, ठीक है। VHL क्या होती है? इट्स द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द बिक्विटिन लाइगेज, टाइप ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये MCQ आ सकता है बच्चों आप लोगों को इस तरह का, ठीक है, कि VHL प्रोटीन क्या इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ये जरा। अच्छा, इसके अलावा STK11, ठीक है, जिसको LKB1 कहते हैं, ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है जो कि इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है सेलुलर मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। और इसकी म्यूटेशन अगर होगी तो प्यूट्स जेगर सिंड्रोम होगा, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसके अंदर डिसऑर्डर है जिसमें GIT के अंदर बेनाइन पॉलिप्स बन जाते हैं, और ये इंटेस्टाइनल और पेनक्रियाटिक कैंसर की भी एक वजह बन सकता है। कुछ ग्रोथ प्रोमोटिंग मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन देखते हैं, जिसको हमने वॉर बार्क अफेक्ट करा था, ये सब हम कैंसर के हॉलमार्क्स पढ़े हैं डिटेल में। Even in the presence of ample oxygen, cancer cell demonstrate a distinctive form of cellular metabolism characterized by high level of glucose uptake and increased conversion of glucose to lactose fermentation via the glycolytic pathway. This phenomenon called Warburg effect and also known as aerobic glycolysis has been recognized for many years. So Warburg effect is basically aerobic glycolysis, ठीक है, oxygen, ample oxygen की present में, ठीक है, cancer cell cellular metabolism को carry कर रहे होते हैं, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज अपटेक हो रहा होता है एंड इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टोज हो रहा होता है, ठीक है। इनिशियली क्लिनिकली क्या होता है, ग्लूकोज हंगर ऑफ ट्यूमर इज यूज्ड टू विजुलाइज ट्यूमर बाय पॉजिट्रॉन ओमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैन, जिसे हम कहते हैं कैंसर के रिकग्निशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है ना इस ग्लूकोज से, ठीक है, तो प्रेफरेंसली ये ट्यूमर सेल्स इसको अपटेक कर लेते हैं, ठीक है। So most tumors are PET positive. अच्छा, Warburg effect काफी अरसे तक इग्नोर किया जाता था, कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज इन नॉर्मल एंड कैंसर सेल्स स्टिल बीइंग एलुसिडेटेड एंड डिटेल्स आर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, aerobic glycolysis basically क्या करती है, provides rapidly dividing tumor cells with metabolic intermediates that are needed for the synthesis of cellular components, whereas mitochondrial oxidative phosphorylation does not. ठीक है, ज्यादातर एरोबिक ट्यूमर सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल्स एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को बहुत तेजी से यूज करते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली सेलुलर कंपोनेंट्स की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आगे वही चीजें बताई हुई है, DNA, RNA, प्रोटीन, लिपिड्स और सारी ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस वगैरह में रोल प्ले करती है। अच्छा, इसके अलावा इन कंट्रास्ट इन एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेलुलर ग्लूकोज इज शंटेड थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पाथवे सच दैट ऑन एवरेज ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज मेटाबोलाइज प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सिमेटली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। ये बच्चों याद रखने वाली लाइन है कि नॉर्मली एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मेटाबोलाइज करके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है। This balance in glucose utilization hits a metabolic sweet spot that is optimal for growth. जिस तरह वो कह रहे हैं, for example, lipid biosynthesis requires acetyl-CoA, and acetyl-CoA is largely synthesized in growing cell from intermediates such as citrate that are synthesized in the mitochondria. ठीक है, so lipid biosynthesis उस enzyme पे dependent होगी जो कि mitochondria में normally present होगा. Mitochondria growing cells में एक important functional role play करता है, ठीक है। सो हाउएवर द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ग्रोइंग सेल्स इज नॉट टू जनरेट एटीपी बट रादर टू कैरी आउट द रिएक्शन दैट जनरेट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, ठीक है। वो उन रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जनरेटिंग ATP जो कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट लाइन देखो कि मेटाबॉलिक रीप्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय सिग्नलिंग कैस्केड डाउन स्ट्रीम ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर द वेरी सेम पाथवे दैट आर डीरेगुलेटेड बाय म्यूटेशन इन ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इन कैंसर. तो मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा जरूरी है सिग्नलिंग पाथवेज में. अच्छा अब ये देखो मेटाबॉलिज्म और सेल ग्रोथ दिखाया हुआ है. एक क्विसेंट सेल है, ये खामोश पड़ा हुआ सेल है, और एक ग्रोइंग सेल है नॉर्मल या ट्यूमर सेल, ठीक है, बढ़ता हुआ सेल है जो ग्रो कर रहा है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से यहाँ से लिपिड आया, लिपिड अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म, ये लाइसोसोम्स हैं, ऑटोफेगी हो रहा है, सेल्फ डाइजेशन हो रही है, क्रैब साइकिल चल रहा है, ये सारा बायोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा. अब नॉर्मल और ट्यूमर सेल देखो, अगर उसमें ग्लूकोज आया या ग्लूकोज फैक्टर यहाँ पे भी अटैच हो गया रिसेप्टर के साथ, ठीक है, ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड सिंथेसिस हो रही है, लिपोजेनेसिस हो रही है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है. ठीक है, ये नॉर्मल भी हो सकता है और ट्यूमर भी हो सकता है. ठीक है, ग्लूकोज एक्टिवली आ रहा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं था क्विसेंट सेल में, लेकिन यहाँ पे देखो ग्लूकोज एक्टिवली जाके इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ से ग्लूटामीन भी आ रहा है, यहाँ ग्रोथ फैक्टर्स भी साथ अटैच हो रहे हैं. ठीक है, सो PI3K एंड AKT सिग्नलिंग जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अप रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एंड मल्टीपल ग्लाइकोलिटिक एंजाइम. इसके अलावा कुछ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस हैं, ठीक है, दे इन एडिशन टू ट्रांसमिटिंग ग्रोथ सिग्नल टू द न्यूक्लियस दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेटाबोलिज्म. इसके अलावा कुछ MYC हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं, ठीक है, ये प्रो ग्रोथ पाथवे अप रेगुलेट करते हैं इसकी एक्सप्रेशन को, ये पीछे बनाए भी हुए इन्होंने ये, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं ग्लूटामिन यूटिलाइजेशन को. ठीक है, सो द ब्रेकिंग इफेक्ट ऑन PI3K AKT सिग्नलिंग ऑफ P10 व्हिच अपोजेस द वॉर बार इफेक्ट एंड हाउ द STK11 ट्यूमर सप्रेसर एंटागोनाइजेस दैट प्रोड्यूसेस द वॉर बार मेटाबॉलिज्म. और ट्यूमर सप्रेसर इंड्यूस कर रहे हैं ग्रोथ अरेस्ट को, सप्रेस कर रहे हैं वॉर बार इफेक्ट को. ठीक है, most important for example DVA P53 which is the most important tumor suppressor, it upregulates the target genes that collectively inhibit glucose uptake, glycolysis, lipogenesis and generation of NADPH. ठीक है, so P53 जो कि बहुत important tumor suppressor है वो upregulate करेगा target genes को जो कि inhibit करेंगे glucose की uptake को, glycolysis को, ताकि tumor आगे ना बढ़े यहाँ पे. ठीक है, ये देखो important role play करते हैं. ठीक है, और ये सिग्नलिंग पाथवे PIK3AKT ये वाला यहाँ पे ये पीछे चल रहा था. इसके अलावा ऑटोफेगी का प्रोसेस हो रहा होता है, ये पीछे ऑटोफेगी हो रही थी. ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग स्टेट ऑफ सिवियर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इन व्हिच सेल नॉट ओनली अरेस्ट देयर ग्रोथ बट आल्सो कैनिबलाइज देयर ओन ऑर्गेनेल्स. सेल अपने आप की ऑर्गेनेल्स को खाना शुरू कर देता है. ठीक है, ये कुछ कंडीशन में होता है ऑटोपेगी का प्रोसेस. ठीक है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए तुम लोगों को. ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा इवेजन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस का प्रोसेस वैसे तुम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी देख लो कि किस तरह से प्रोग्राम सेल डेथ होती है सेल की. एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लास्टिक सेल्स में रिजल्ट नॉट ओनली फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन्स और इनएक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ सप्रेसिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन बट ऑल्सो फ्रॉम म्यूटेशन इन जीन्स दैट रेगुलेट एपोप्टोसिस. तो अगर एपोप्टोसिस के जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो गई है तब भी न्यूक्लास्टिक सेल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे. वो कह रहे हैं न्यूक्लास्टिक सेल जरूरी नहीं है सिर्फ एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन्स की बने या ग्रोथ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की इनएक्टिवेशन की वजह से बने, लेकिन ऐसे जीन्स जो कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट कर रहे हैं प्रोग्राम सेल डेथ को, उनकी म्यूटेशन हो तब भी ट्यूमर न्यूक्लास्टिक सेल्स जमा हो सकते हैं, कैंसर सेल जमा हो सकते हैं. सो अ वैरायटी ऑफ सिग्नल्स इंक्लूडिंग DNA डैमेज, डीरेगुलेशन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन्को प्रोटीन सच एज MYC एंड लॉस ऑफ एडहेशन टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एन ओएकेस can trigger apoptosis. Thus, apoptosis is a barrier that must be surmounted for cancer to develop and progress. So, apoptosis एक barrier है, ठीक है, programmed cell death है, ठीक है, normally जो cell को चला रहा होता है. अगर cancer cell को बढ़ने के लिए इस barrier को cross करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसको evade करना, इसके अंदर घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कुछ बायोकेमिकल पाथवेज हैं जो कि प्रोग्राम सेल डेथ कॉज करते हैं. दो डिस्टिंक्ट पाथवेज हैं. इट इज़ द इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं एंड दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिसेबल्ड इन कैंसर. कैंसर सेल में ज़्यादातर MCQ आ सकता है तुम लोगों को कि इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में चेंजेस हुई होती हैं. ठीक है, अब ये देखो एपोप्टोसिस का इंट्रिंसिक पाथवे बताया हुआ है या एक्सट्रिंसिक पाथवे बताया हुआ है. इंट्रिंसिक में क्या हो रहा है,
अपने को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लॉस ऑफ P53 रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रेडिएशन कोई केमिकल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए डैमेज हुआ, P53 का रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। लॉस ऑफ P53 लीड्स टू रिड्यूस फंक्शन ऑफ प्रोएप्टोटिक फैक्टर सच एज बैक्स, ठीक है। अब प्रो P53 यहाँ बैक्स और बैक करेगा, इनसे BCL2 ये प्रोएप्टोटिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेल डेथ और एपोप्टोसिस होगी, और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे से फैस लाइगेंड फैस के साथ अटैच हुआ, डेथ इंड्यूस सिग्नलिंग कैस्पेसेस आ गए, और यहाँ पे कैस्पेस 3 एंड डेथ सबस्ट्रेट एंड एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ P53 जो नंबर 1 है लीड्स टू रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ द प्रोएपोप्टोटिक फैक्टर सच एज बैक्स, ये बैक्स प्रोएपोप्टोटिक फैक्टर है, ठीक है। ये BCL2 वगैरह ये एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये इनके नाम याद रखने हैं, ये पहले चैप्टर 1 में भी तुम लोगों ने देखे होंगे, बैक्स एंड बैक, ठीक है, एंड BCL2 प्रोएपोप्टोटिक एंड दीज आर एंटी एपोप्टोटिक। और इसके अलावा लॉस ऑफ एपोप्टोटिक पेप्टाइडेज, ठीक है, यहाँ पे वो 3 नंबर पे कह रहा है। इसके अलावा 2 नंबर पे वो कह रहा है कि रिड्यूस सीग्रेशन ऑफ साइटोक्रोम सी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एज रिजल्ट ऑफ अपरेगुलेशन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके अलावा 3 में वो कह रहा है कि लॉस ऑफ द एपोप्टोटिक ये पेप्टाइडेजेस एक्टिवेट द फैक्टर 1, ठीक है, ये AP1। इसके अलावा अपरेगुलेशन ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस, ये सब इंट्रिंसिक पाथ पे एपोप्टोसिस की तरफ लेके जा रही हैं, ये एंड रिजल्ट इज एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। ये सारा वही पीछे बताया हुआ है, किस तरह बैक्स और बैक और किस तरह कुछ। अच्छा, फिर यहाँ पे एक नई चीज उसने बताई है आपकी बुक में, कुछ एग्जीक्यूशनर कैस्पेस होते हैं, जैसे कैस्पेस 9 सॉरी कैस्पेस 3, ठीक है। कैस्पेस 3 जो है वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेस है जो कि क्लीव करेगा डीएनए को टू कॉज सेल डेथ, ठीक है। ये पीछे ये कैस्पेस 3 ये वाला, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये लाइन। अच्छा, इसके अलावा एक्सट्रिंसिक पाथ पे बता रहा है किस तरह CD95 फैस लाइगेंड बाइंडिंग होती है, किस तरह से साइटोप्लाज्मिक डेड डोमेन बनते हैं, किस तरह से वो प्रो कैस्पेस 8 कैस्पेस को एक्टिवेट करता है, कैस्पेस 8 को फिर उसकी बाइंडिंग होती है। ये सारा वही जो डायग्राम में बना हुआ है वही चीज बार बार दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ सॉलिड ट्यूमर्स हैं और कुछ ब्लड के कैंसर हैं, दे ओवर एक्सप्रेस एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द BCL2 फैमिली ऑफ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, सजेस्ट दैट इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस इज जनरली इंपॉर्टेंट इन कैंसर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन। ये लाइन याद रखने वाली है कि नॉर्मली इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस इज जनरली इंपॉर्टेंट, मतलब एपोप्टोसिस का इवेड हट जाना कैंसर डिवेलपमेंट में प्रोग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर P53 इज एन इंपॉर्टेंट प्रोएपोप्टोटिक प्रोटीन दैट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस इन सेल्स दैट आर अनएबल टू रिपेयर डीएनए डैमेज। P53 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ प्रोएपोप्टोटिक प्रोटीन भी, ठीक है। तो ये ट्यूमर सप्रेसर है ना, और साथ ये प्रोएपोप्टोटिक प्रोटीन के तौर पे भी एक्ट करता है, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है ऐसे सेल्स में जो कि अपना रिपेयर डैमेज खुद नहीं कर सकते, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ बैक्स एंड पूमा, कुछ ये बताई हुई है एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। अच्छा, P53 बच्चे जैसे मैंने बताया था ना, रिपीट कर रही हूँ कि जैसे ट्यूमर सप्रेसर है ना, इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन भी है P53। इसका काम क्या होता है, ये प्रो एपोप्टोटिक मतलब एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर रहा है ऐसे सेल्स में जो कि अपना डीएनए रिपेयर डैमेज नहीं कर पा रहे हैं। सो और एक्शन ऑफ P53 आर मीडिएटेड बाय ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ बैक्स एंड पूमा, ठीक है। ये भी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं जो कि एक्शन ऑफ P53 को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो एपोप्टोटिक मशीनरी इन कैंसर में भी थॉट बाय म्यूटेशन अफेक्टिंग द कंपोनेंट प्रोटीन डायरेक्टली और बाय लॉस ऑफ सेंसर जीनोमिक इंटेग्रिटी सच एज P53। सो ये एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्सप्लेन कर रहा था वो आपकी बुक में। इसके अलावा लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल है स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है। ये अगला कैंसर का जो हॉलमार्क है, लिमिटलेस, लिमिट खत्म हो चुकी है अब रेप्लिकेशन की, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहेगी कैंसर सेल्स में, इमोर्टल हो जाएंगे, इनके अंदर लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल होती है कैंसर के अंदर, एक दफा स्टार्ट हो गया तो फैलता जाता है, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं, इवेजन ऑफ सेनेसेंस, ठीक है, सेल साइकिल अरेस्ट इवेड हो जाएगा, खत्म होता जाएगा, इवेड हो जाएगा माइटोटिक क्राइसिस, कैपेसिटी फॉर सेल रिन्यूअल, आपस सेल बार बार सेल्फ रिन्यूअल होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन 3 पॉइंट्स को आपकी बुक में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब सेनेसेंस इवेड होगी,
जैसे उसने बताया मोस्ट ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन ट्यूमर्स हैव द सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड 60 to 70 टाइम्स आफ्टर दिस द सेल्स बिकम सिनेसेंट परमानेंटली लीविंग द सेल साइकिल एंड नेवर डिवाइडिंग अगेन. ठीक है. The mechanism that produce senescence are still not understood, but the senescent state is associated with upregulation of tumor suppressor such as p53 and inc4a. The tumors of these tumor suppressors are believed to contribute to senescence by maintaining rb in hypophosphorylated state which favors cell cycle arrest. Acha ye bhi mcq ke liye yaad rakhna hai, jab rb hypophosphorylated state mein hoga na tab cell cycle arrest hoti hai. Theek hai na. अच्छा. सो आर बी डिपेंडेंट जी वन एस साइकिल चेक पॉइंट इज डिस्टर्बेड इन वर्चुअली ऑल कैंसर. ये वही चीज बार बार बता रहा है. इसके अलावा इवेजन ऑफ माइटोटिक क्राइसिस वाइल सेल दैट आर रेजिस्टेंट टू सिनेसेंस हैव इंक्रीज्ड रेप्लिकेटिव पोटेंशियल दे आर स्टिल नॉट इमोर्टल इंस्टेड दे इवेंचुअली एंटर्ड इनटू अ फेज रेफर्ड टू एज माइटोटिक क्राइसिस एंड डाई. दिस फिनोमेना इज डिस्क्राइब्ड टू प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेयर्स एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. जब लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल होता है तो माइटोटिक क्राइसिस वगैरह भी इवेंचुअली सेल उसके अंदर एंटर हो जाता है. ठीक है. एंड टीलोमेयर स्पेशल डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो कि क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे बाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एंड मोस्ट सोमेटिक सेल्स डू नॉट एक्सप्रेस टीलोमेयर द एंजाइम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टीलोमेयर्स टीलोमेरेज एंजाइम है. ठीक है. यहाँ पे वही चीजें बार बार बताई हुई है. अच्छा. यहाँ स्केप ऑफ सेल्स बताया हुआ है सिनेसेंस से किस तरह होगा. यहाँ इनएक्टिव टीलोमेरेज बताए हुए. ठीक है. मल्टीपल सेल्स 60 to 70 सेल डिवीजन होती हैं उसके बाद नौ सेल सिनेसेंट बन जाता है. ठीक है. परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है p53 की हेल्प से. अच्छा. यहाँ कुछ शॉर्टेंड टीलोमेयर्स बताए हुए हैं जहाँ p53 प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. वहाँ डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बनेंगे. ये देखो मेटाफेज में एनाफेज बताया हुआ है डबल स्टैंडर्ड ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल है. ठीक है. टूट फूट रहे हैं. ठीक है. और फिर जुड़ रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे टेलोमरेज डीएक्टिवेशन हो गई है. ठीक है. तो यहाँ पे कैंसर बन गया. ये देखो. सो एस्केप ऑफ सेल फ्रॉम सिनेसेंस एंड माइटोटिक कैटास्ट्रोफ कॉज्ड बाय टेलोमेयर शॉर्टनिंग. ठीक है. यहाँ टेलोमेयर्स की जब शॉर्टनिंग हुई रेप्लिकेशन ऑफ सोमेटिक सेल वी डू नॉट एक्सप्रेस टेलोमेयर लीड्स टू शॉर्टन टेलोमेयर्स in the presence of competent checkpoint cell undergo rest and enter non replicative senescence and in the absence of checkpoint dna repair pathways such as non homologous end joining pathways are inappropriately activated leading to formation of dicentric chromosome. theek hai. ye dicentric chromosome hai. ye aur ye ki hai. theek hai. at mitosis the dicentric chromosomes are pulled apart. theek hai. ye dekho alag ho gaye anaphase pe. theek hai. cells undergo numerous round of the bridge fusion breakage cycle. theek hai. ब्रिज फ्यूज हुए हैं और फिर ब्रेकेज हुए हैं. ये साइकिल चलता रहता है विच लीड्स टू क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी एंड न्यूमरस म्यूटेशन एंड इफ सेल्स फेल्स टू री एक्सप्रेस टीलोमेयर्स अगर सेल्स दोबारा से टीलोमेयर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं माइटोटिक कैटास्ट्रोफ हो जाता है. टीलोमेयर्स रीएक्टिवेशन यहाँ पे हो रही है. दे इवेंचुअली अंडरगो माइटोटिक कैटास्ट्रोफ वही चीज एंड डेथ. एंड अगर री एक्सप्रेशन हो रही है टीलोमेयर्स ये देखो री एक्सप्रेस हो रहे हैं दोबारा से अलाउ द सेल टू एस्केप द ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल thus promoting their survival and tumorogenesis. tumor badhta jayega. so telomerase is expressed at a very low level in most somatic cell and thus any cell that escape from senescence are likely to die in mitotic crisis. alternative ye bata rahe remaining tumor jo hai wo alternative lengthening of telomeres ka bhi point use kar sakte hain. aur self renewal most cancer tissue stem cells express telomerase making them resistant to mitotic crisis. theek hai. and somehow avoid the genetic and epigenetic alteration that triggers senescence. self renewal. फिर कुछ asymmetric division होती है symmetric division होती है both daughter cells जो हैं embryogenesis में जो form हो रहे हैं during expand कर रहे हैं during time of stress symmetric division है asymmetric है कि one daughter cell remains in a stem cell in such circumstances the non stem cell daughter proceeds along some differentiation pathways losing stemness. ठीक है. एसिमेट्रिक डिवीजन की वजह से वो अपना स्टेमनेस लूज कर देता है. सो द कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेनी टिश्यूज दैट कंटेन शॉर्ट लिव्ड सेल्स सच एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द बोन मैरो एंड ब्लड एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट एंड स्किन डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंट पॉपुलेशन ऑफ टिश्यू स्टेम सेल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल. तो जो टिश्यू स्टेम सेल्स होते हैं ना उनमें जो स्टेम सेल्स हैं जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जो हर ऑर्गन हर टिश्यू हर सेल बना रहे होते हैं. ठीक है. उनमें कैपेसिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल की. इस लॉजिक पे वो कह रहा है कि कैंसर इमोर्टल होते हैं क्योंकि उनके अंदर लिमिटलेस रिप्लिकेटिव या प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी होती है. सो उनको हम कैंसर स्टेम सेल्स भी कहते हैं. सो वो कह रहा है कि हो सकता है दे टू मस्ट कंटेन सेल दैट सेल्फ रिन्यू देयरफॉर दे आर कॉल्ड कैंसर स्टेम सेल्स.
सो इसकी एग्जिस्टेंस अब एक्सेप्ट हो चुकी है. अब वो कह रहा है कि ये स्टेमनेस पे डिपेंड करता है इस प्रॉपर्टी पे कि ओपन क्वेश्चन है वेदर कैंसर स्टेम सेल राइज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ सोमेटिक सेल्स टू स्टेम सेल्स. ठीक है, अब ये कुछ पाथवेज बताए हुए हैं जिसमें कैंसर में बताया हुआ है कि इंट्रेंसिक ये CML में क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया और एक्सट्रेंसिक पाथवे एक्यूट प्रोमायलोसाइटिक ल्यूकीमिया दोनों कैंसर हैं. इसमें बताया हुआ है यहाँ पर BCR-ABL ये क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है 922 क्रोमोसोम पे. यहाँ पे एक्यूट प्रोमायलोसाइटिक ल्यूकीमिया में 15-17 क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है PML और RR जीन पे. ठीक है, ये स्टेम सेल है, ये प्रोजिनेटर सेल है, म्यूटेटेड स्टेम सेल हुआ, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन, या म्यूटेटेड स्टेम सेल म्यूटेटेड प्रोजिनेटर बना. ठीक है, लो प्रोलिफरेटिव अगर उसका फ्रैक्शन होगा तो सेल्फ रिन्यूइंग पॉपुलेशन होगी. अगर म्यूटेटेड प्रोजिनेटर बन गया है ठीक है आगे से तो उसकी हाई प्रोलिफरेटिव फ्रैक्शन होगा, उसमें बल्क में ट्यूमर पॉपुलेशन होगी और यहाँ पे वही सेल्फ रिन्यूइंग पॉपुलेशन. सो बेसिकली देखो यहाँ प्रोजिनेटर था उसमें म्यूटेशन हो रही थी, म्यूटेटेड प्रोजिनेटर विद स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज यहाँ पे बन गया था. ठीक है, उस प्रोजिनेटर म्यूटेट हुआ था लेकिन उसकी प्रॉपर्टी स्टेम सेल लाइक थी. यहाँ पे स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे म्यूटेटेड बन गया. ठीक है, अब वो आगे वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि CML में किस तरह क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में ये तस्वीर याद रखनी है बच्चों, CML में किस तरह होगा और AML में किस तरह होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में. ठीक है, वही चीज आगे एक्सप्लेन की गई आप लोगों की बुक में, वही चीज आगे 2-3 पैराग्राफ में वही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है. सो मोस्ट नोटेबली इफ कैंसर स्टेम सेल्स आर एसेंशियल फॉर ट्यूमर परसिस्टेंस इट फॉलोज दैट दीज सेल्स मस्ट बी एलिमिनेटेड टू इरेडिकेट द ट्यूमर. सो कैंसर स्टेम सेल्स को खत्म करना होगा अगर आपने ट्यूमर को खत्म करना है. इसके अलावा MDR ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी होती है. ठीक है, कीमोथेरेपीज में यूज होती है. ठीक है, फिर अगला बच्चों आप लोगों का टॉपिक है एंजियोजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस. ठीक है, ये हम लोग अब आप लोगों का टाइम खत्म हो रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको. अभी आप लोगों के काफी सारे टॉपिक रहते हैं बोलते हो एंजियोजेनेसिस किसके. अब आप लोगों के सामने ये क्लास आई गेस थर्सडे को है आई थिंक सो. ट्यूसडे वेनसडे ऑफ है. अच्छा, तो अब तक जितना पढ़ा है हम लोगों ने मुझे काइंडली बताओ कि कुछ बेशक इट्स टफ लेकिन थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है. कैंसर बढ़ना, ट्यूमर्स की म्यूटेशन होना, ये कुछ समझ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं जी. महानूर, इकरा, रमजा, फातिमा, सब बताओ मुझे. जैनब, मायरा, तहरीन, चलो शाबाश है. अच्छा, लास्ट लेक्चर बच्चों मैं तुम लोगों को फिर बता रही हूँ, हम लोग लास्ट लेक्चर रिवीजन के लिए रखेंगे. ठीक है, लास्ट लेक्चर में तुम लोगों ने प्रेजेंट सबने मस्ट होना है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजियोजेनेसिस, वैसे मेरा ख्याल था हम इसमें एंजियोजेनेसिस कर लेंगे लेकिन आज का टॉपिक क्योंकि ज़रा मुश्किल था, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी हमने कवर किए थे सो एंजियोजेनेसिस इतना बड़ा नहीं है. क्योंकि एंजियोजेनेसिस में हम लोगों ने सिर्फ यही बताना है कि एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल फॉर्मेशन, कि कैंसर को अपने परवरिश के लिए ब्लड वेसल्स चाहिए होती है, नई ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं, इसका मतलब होता है कैंसर पल रहा है वहाँ पे. और इसके अलावा इन्वेजन और मेटास्टेसिस का मतलब भी होता है कि कैंसर इन्वेड कर रहा है, कहीं घुस रहा है और मेटास्टेसिस में किसी और जगह पे बन रहा है. ठीक है, किस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इन्वेड करेगा, किस तरह से वो वैस्कुलर डिसेमिनेशन करेगा, वेसल्स के अंदर फैलेगा. ठीक है, और फिर उसकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कैसे है मेटास्टेसिस की वो हम देखेंगे. सुपरफिशियली इसको पढ़ेंगे जरा. ठीक है, स्ट्रोमल एलिमेंट्स का रोल पढ़ेंगे मेटास्टेसिस में. कुछ कुछ ट्यूमर एंटीजन्स हमने देखने हैं कि वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं. ठीक है, फिर एंटी ट्यूमर इफेक्ट मैकेनिज्म्स हम देखेंगे. ठीक है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी वगैरह. सो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना एंजियोजेनेसिस और मेटास्टेसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो पढ़ा है बच्चों उसको जाके घर में एक दफ़ा जाके रिपीट ज़रूर कर लेना, पढ़ लेना ताकि कुछ समझ आ जाए. और या ज़रूर पढ़ना, ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने बताए MCQ SCQ के लिए इंपॉर्टेंट उनको ज़रूर हाईलाइट कर लिया करो. ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से मुलाकात होगी. ज़रूर पढ़ना है, साथ पढ़ना है क्योंकि 18 जुलाई को एग्ज़ाम है. ठीक है, चलो ओके बच्चों, अल्लाह.